ठीक है यार, बहुत गए पता नहीं हो जल्दी मां खिलाए पड़े मेरा सोपोंगी डालो डालो टिकट बड़े बाबा होटल ये बात नहीं है, आप बोले हिम्मत रखते तो अभी बोले हिम्मत रखते, ठीक है ना, हम जनता है, पागल नहीं है। पानी से निकल दो, पानी बिकता है ना निकल जाता है, पानी पानी में भिगाओ, पूरा पानी में भिगो दिया सर, आओ फिर पानी डाल दो उसके ऊपर, पानी डाल देगा तो निकल जाता है। रहते हैं ना है और तेल लगा, टेलकम पाउडर तेल लगाने का, तेल लगा के थोड़ा सफा करके फिर टेलकम पाउडर डाल। आप डॉक्टर है क्या? नहीं मैं पेंट हूँ, जो ऑर्थोपेडिक का बनते हैं ना पट्टी उसके बनाते हैं। कि नहीं आप मतलब तेल और ये टेलकम पाउडर लगा सही रहेगा? वो टेलकम पाउडर तो ये होता है ना सुकून मिलता है, तेल लगा के साफ करता हूँ, ठीक है। ट्रेन आलो टेम्पू रुकते दो हाँ पूरे राजस्थान भर में चिकित्सक यानी कलयुग के पहले और अंतिम भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में हैं, और अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि यहाँ पर जिनके परिजन हैं वही अपने बच्चों के प्लास्टर काटने को मजबूर हैं। जब ये लोग अस्पताल में पहुँचे तो जो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और सीधा ये कह दिया कि प्लास्टर अगर आपको कटवाना है तो अपने स्तर पर ही काटिए क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। इनसे हम बात करेंगे, ये बताएं कि आप खुद प्लास्टर क्यों काट रहे, क्या हुआ? डॉक्टर साहब है नहीं, क्या करें, कंप्यूटर कह रहे हैं क्या टाइम नहीं है हमारे पास, बंद करके चले गए, अब अच्छा, क्या करूँ। अच्छा आप अकेले हैं, आपके साथ और भी? ये सब देख लो कितने पेशेंट है, आप खुद ही देख रहे हो, 200 से करीबन लगभग है पे, आप खुद ही देख रहे हो। आप ये सरहदी इलाका है बाड़मेर जिला, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे अंतिम जो दूरस्थ इलाकों में आता है और यहाँ पर पहले से डॉक्टर कम है। कहाँ से आ रहे हो आप, कहाँ से आए हो आप? रानीगांव से आए हो। क्या बच्चे की कब प्लास्टर किया था, क्या हुआ था? प्लास्टर किया था 6 तारीख को नंबर 2 सुबह। अच्छा, और आज जब यहाँ आए तो क्या हुआ? ये डॉक्टर 10 तारीख का बुलाया था कि डॉक्टर 10 तारीख का मैं खोल दूंगा, डॉक्टर है नहीं, कंप्यूटर बैठे कंप्यूटर कह रहे हैं कि बाप आ तो आज से खोल के ले आओ, मैं पटा दे दूँ, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर। मतलब आप खुद ही खोल के आओ, हम यहाँ नहीं खोलेंगे। हाँ आप ये देखिए कि 21वीं सदी में जब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ की, वो कितने बड़े बड़े दावे करते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था के कितने अच्छे हाल हमने कर रखे हैं या क्या स्थिति हमने बना रखी है, लेकिन ये हाल जब देखते हैं तो सारी की सारी जो बातें हैं वो दावे लगते हैं, सिर्फ सिर्फ कागजी दावे, धरातल पर ये स्थिति। ये मासूम बच्चा आप देखिए, आप ये खुद क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर कंप्यूटर कोई अंदर है नहीं तो करे क्या, हमको मजबूरी हो गया करना, अंदर चले जाते हैं तो एक बार बोलता है 53 नंबर रूम में जाओ, वहाँ कटेगा 53 से आगे वहाँ पे कोई नहीं काटता, बाहर जाओ, लॉक दे के चले गए सब। तो ये अंदर कोई लग सकती है ना, छोटा बच्चा अगर ये तो आपको थोड़ी पता है कैसे काटे लग सकते हैं सब। सर हमारे को तो मजबूरी है काटना, नहीं तो काटेगा कैसे? ये कहाँ से लाए हो ये? तो मेडिकल से। अच्छा, इसको थोड़ा आराम से लगे, और ये क्या लगा यहाँ पे? सर यहाँ टाका लिया हुआ है, ऑपरेशन किया था जब। ये इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 3 साल है। कैसे हुआ था इसके? इसके जन्म से ऐसे ही है, पैर के अंदर। अच्छा, अभी आप अंदर गए तो कोई मिला नहीं आपको? या नहीं मिला, सब लॉक दिया हुआ है रूम के अंदर। अच्छा, बाकी सब काट रहे हैं, आप भी काट रहे हो? हाँ काट रहे हैं, तो हमें काट रहे हैं। आप देखिए कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं, और वसुंधरा राजे सरकार बार बार ये दावे करती है कि हमने यहाँ पर व्यवस्था सुचारू कर रखी है, आर्मी और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ से डॉक्टर्स को हम यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन असल जो धरातल पर हालात है वो इस कदर
बुरे हो चुके हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं कम से कम यहाँ पर पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूँ कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर से लगाकर यहाँ के सारे चिकित्सा अधिकारियों से लगाकर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि व्यवस्थाएँ सारी की सारी सुचारू हैं, अगर व्यवस्थाएँ सारी सुचारू हैं फिर ये क्या है। बाड़मेर से कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।